हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फोटोशॉप प्लगइन्स रिव्यू के अंदर आज जिस प्लगइन के बारे में बात हम कर रहे हैं, उस प्लगइन की मदद से हम पोर्ट्रेट फोटो के अंदर बहुत सारे करेक्शन कर सकते हैं, इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, फेस के अंदर मेकअप करना है, रिटचिंग करनी है फेस की, या फेस के अंदर थोड़ा शेप चेंज करना है, नोज वगैरह ठीक करना है, आंखों के ऊपर नीचे का मेकअप करना है, आईब्रो ठीक करना है, लिपस्टिक आप लगाना चाहते हैं, या फिर इस तरह से फोटो के अंदर जितने भी पोर्ट्रेट के अंदर इफेक्ट देने की हमें जरूरत पड़ती है, उस सभी के सभी इफेक्ट हम दे सकते हैं। इसके लिए आप सबने बहुत सारे कमेंट किए हैं। इस प्लगइन का नाम है पोर्ट्रेट प्रो। पोर्ट्रेट प्रो प्लगइन जो है वो आपको डाउनलोड करना होगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बात ये बता दूं, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ पोर्ट्रेट प्रो हम किस तरह से डाउनलोड करके यूज में ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और इसका ट्रायल वर्जन यूज ले सकते हैं। पोर्ट्रेट प्रो अगर आप यूज में लेने की ये वीडियो देखने के बाद सोचें कि हम इसको खरीदें या ट्रायल वर्जन यूज में लें, तो उससे पहले ये वीडियो आप पूरा देखें और फिर आप ये देखें कि क्या आपको इस पोर्ट्रेट प्रो प्लगइन या फिर जो सॉफ्टवेयर है इसकी जरूरत है आपको, तभी आप इसको खरीदें या फिर यूज में लें। अगर आपको लगे कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, तो मैन्युअली भी आप कुछ एक फोटो के ऊपर अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो वो वैसे ही आप कर सकते हैं। मैंने अपने दूसरे वीडियोज के अंदर भी इसके बारे में बताया, अलग अलग वीडियोज के अंदर अलग अलग टॉपिक मैंने बताया, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन ये यूज में लेना है नहीं लेना है, ये वीडियो देखने के बाद आप पहले डिसाइड करें और ट्रायल वर्जन इसका यूज में लें। इसको डाउनलोड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें गूगल पे जाना होगा और यहाँ पर हमें लिखना होगा पोर्ट्रेट प्रोफेशनल, जिसका नाम है, और क्लिक करते ही यहाँ पर साइट आएगी पोर्ट्रेट प्रोफेशनल नाम से, ग्रीन अक्षर के अंदर आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसकी ये साइट आपको ओपन की हुई दिखाई देगी। यहाँ पर इस साइट के ऊपर आपको एग्जाम्पल के लिए कुछ फोटोज भी मिलेगी और डाउनलोड का ऑप्शन भी मिलेगा, फ्री ट्रायल बाय नाउ या अपग्रेड, अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो अपग्रेड भी इसको कर सकते हैं, और इसके जो ऑप्शंस हैं वो भी यहाँ पर बताए हैं। इसके अलावा इसके एडिशन, जो तीन एडिशन यहाँ पर दिए हैं, स्टैंडर्ड, स्टूडियो और स्टूडियो मैक्स, तीन तरह के यहाँ पर आते हैं। ये देखिए पोर्ट्रेट प्रो, ये इस एडिशन के ऊपर टैब के ऊपर आप जाएंगे तो ये ओपन होगा, और जो तीनों है इनकी प्राइस भी यहाँ पर दे रखी है, और कौन सा फीचर कौन से के ऊपर अप्लाई होगा, स्टूडियो मैक्स के ऊपर और स्टूडियो के अंदर स्टैंडर्ड के अंदर, वो यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड वर्जन है ये अगर आप डाउनलोड करेंगे तो इसके इसका जो फोटोशॉप का प्लगइन है वो आपको नहीं मिलेगा। देखिए अवेलेबल एज ए फोटोशॉप प्लगइन यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी दोनों के अंदर ये फोटोशॉप प्लगइन मिलेगा। तो अपार्चर, लाइट रूम प्लगइन ये नहीं मिलेगा, रो के ऊपर भी आप नहीं काम कर सकते, स्टैंडर्ड के ऊपर, बाकी दूसरे वाले के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा जो फीचर हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं कि आप स्किन स्मूथ बना सकते हैं, फेस को ठीक कर सकते हैं, आई एनहांसिंग, हेयर, माउथ, मैनुअल टचअप, ब्रश भी है जहाँ पर दाग धब्बे हम चेहरे के ऊपर से हटा सकते हैं, पिक्चर कंट्रोल्स, लाइटिंग कंट्रोल्स, ये फेसबुक के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं। तो ये खूब सारे ऑप्शंस यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ये दिए हुए हैं। तो अगर आप पहले ट्रायल यूज करना चाहते हैं एक बार, तो आप फ्री ट्रायल के ऊपर यहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद में यहाँ पर आप अपना नाम और ईमेल एड्रेस डालें और फिर सबमिट करेंगे। जैसे ही तो ये पेज खुलेगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि विंडोज के लिए मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर विंडोज के लिए और मैक के लिए दे रखा है, मैं विंडोज वाले पे क्लिक करूंगा तो इससे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। एक और टैब यहाँ पर दे रखी है गैलरी, अगर आप गैलरी में जाएंगे तो एग्जाम्पल फोटोज यहाँ पर खूब सारी दे रखी है, जैसे कि ये फोटो है तो बिफोर और ये आफ्टर यहाँ पर इस तरह से दिखा रखी है, और नेक्स्ट इमेज करेंगे तो इस तरह से बिफोर, ये आफ्टर, ये बिफोर, ये आफ्टर, ये बिफोर, ये आफ्टर, ये बिफोर और ये आफ्टर, यानी कि चेहरे पर जो झुर्रियाँ, दाग धब्बे होते हैं वो सभी हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं इस प्लगइन से। डाउनलोड करने के बाद में क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर आप जाएं जहाँ पर आपने फाइल को डाउनलोड किया है, और उसके बाद में उसके ऊपर क्लिक करने के बाद उसको अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करें। फोटोशॉप प्लगइन का जैसे कि मैंने बताया था ये नहीं है, डाउनलोड करने के बाद आप स्टार्ट बटन के ऊपर जाएं और यहाँ पर देखिए पोर्ट्रेट प्रो 15 ट्रायल जो है, इसके अंदर आपको पोर्ट्रेट प्रो 15 ट्रायल
जो हमने ट्रायल वर्जन डाउनलोड किया है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। और ट्रायल वर्जन से हम देखेंगे कि इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो कैसे हैं, किस तरह से हम इनको यूज़ में ले सकते हैं, क्या वो हमारे लिए बेस्ट है। एक बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सॉफ्टवेयर है, अगर आपके पास खूब सारी फोटो आती है जिसके ऊपर आप रिटचिंग वगैरह करने का काम करते हैं, मान लीजिए स्टूडियो का काम है, पोर्ट्रेट फोटो आपके पास में डेली की 150 तो कम से कम होती है, तो आपके लिए काम का हो सकता है, या उससे ज्यादा होती है तो आपके लिए काम का हो सकता है। अगर आप पर्सनल फोटो खुद की बना रहे हैं, एक दो फोटो बना रहे हैं, महीने में कोई एक दो चार पांच फोटो बनाने काम पड़ता है, तो आपको इसको बाई करने की या ट्रायल की या इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि वो खुद अब मैन्युअली भी कर सकते हैं। वो मैंने फोटोशॉप के अंदर किस तरह से करते हैं आपको बताया भी है। और देखिए यहाँ पर ये ओपन होने के बाद में, जैसे मैंने पोर्ट्रेट प्रो को ओपन किया है, ओपन करने के बाद में लेफ्ट साइड के अंदर आप देखिए पोर्ट्रेट प्रो ट्रायल एडिशन, ये ट्रायल एडिशन है, और इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन दी है कि यूज दिस ट्रायल टू सी द अमेजिंग एनहांसमेंट्स दैट कैन बी मेड टू योर फोटोज बाय दिस सॉफ्टवेयर एंड यू कैन। खरीदने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, आप जो फोटो बनाएंगे उसको सेव कर सकते हैं, और फ्री में अपग्रेड भी होगा और गेट फ्री सपोर्ट सपोर्ट भी मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक बात है वो सेव करने वाली बात, यानी कि कई प्लगइन्स हमने देखे हैं या जो होते हैं उनके अंदर क्या कर सकते हैं, फुल फीचर 15 दिन के लिए ट्रायल, 13 डेज के लिए ट्रायल, कुछ इस तरह से मिलते हैं, लेकिन ये है इसके अंदर लिमिटेशन है, आप सेव नहीं कर सकते, और इसके अंदर इसका वाटरमार्क भी आएगा, आप सिर्फ ट्राई कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। अगर बाकी सेव वगैरह करने का काम करना है तो आपको इसको खरीदना पड़ेगा, और खरीदने के लिए ऑप्शन यहाँ पर है, और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे ऑनलाइन खरीदने के लिए, जिसके अंदर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ओपन इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद एक फोटो ओपन कर रहा हूँ, ये फोटो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, फोटो ओपन हो रही है यहाँ पर। इस ये एक्चुअली फोटोशॉप का मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाया है कि फोटोशॉप के अंदर प्लगइन, क्योंकि ये ट्रायल वर्जन है और जो स्टैंडर्ड वर्जन है वो प्लगइन के रूप में यहाँ पर अपने को नहीं मिलेगा। अब इसको सिर्फ एज ए सॉफ्टवेयर इसको डायरेक्ट ट्राई कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने यहाँ पर ओपन किया फोटो, तो चार ऑप्शन आ रहे हैं, फीमेल मेल बॉय और गर्ल के, छोटे बच्चों की फोटो है तो उस हिसाब से, अदरवाइज मेल फीमेल है तो उस हिसाब से यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फीमेल सिलेक्ट कर रहा हूँ, और उसी हिसाब से यहाँ पर ये जो आउटलाइन बन रही है फेस को डिटेक्ट करने के बाद में, ये देखिए बिफोर और ये है आफ्टर, बिफोर साइड के अंदर यहाँ आउटलाइन बन रही है और यहाँ पर मेल फीमेल के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर आपके पास फोटो मेल या किसी बच्चे की है तो उस हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करें। टिप यहाँ पर हर स्टेप के ऊपर आपको मिल रहे हैं, टिप दिया हुआ है एडजस्ट पॉइंट्स टू इम्प्रूव योर रिजल्ट्स। अगर यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो ये लाइनें तैयार हुई है पॉइंट से अगर सही नहीं है तो आप पॉइंट के ऊपर क्लिक करके आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं इस तरह से, तो वो आप कर सकते हैं। और ये जो आफ्टर है उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये वाटरमार्क यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर डायरेक्ट प्रीसेट दे रखे हैं, आप खुद के प्रीसेट भी यहाँ से फिर सेव कर सकते हैं बना करके, और जो बनाए हुए हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। और फीमेल के लिए स्टैंडर्ड ये दिया हुआ है, ये भी टिप आपको यहाँ पर मिलेगी, आप इनको रीड करके यूज में ले सकते हैं, ये अलग अलग बाय डिफॉल्ट प्रीसेट्स हैं, तो ये आप यूज में ले सकते हैं। मैं आपको रीसेट टू ओरिजिनल इमेज कर रहा हूँ क्योंकि हम खुद यहाँ पर बनाएंगे। ऊपर यहाँ पर जूम करने का जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है, और यहाँ पर बिफोर आफ्टर के तीन ऑप्शन है, व्यू बिफोर ओनली, व्यू आफ्टर ओनली, और बिफोर आफ्टर एक साथ में आप देखना चाहते हैं, ये हैंड टूल है, और यहाँ से आप फेस फिट जूम ये यूज में ले सकते हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन है ये टूल्स है जिनको हम यूज में लेंगे, तो सबसे पहले फेस के लिए है, फेस को अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं, खूब सारे ऑप्शन है, हर एक ऑप्शन के अंदर ये देखिए फेस के पिक्चर कंट्रोल्स, हेयर के लिए, आई के लिए, मेकअप के लिए, स्किन लाइटिंग, स्मूथिंग और फेस क्लिप कंट्रोल्स दिए हुए हैं, और इनके अंदर ये मास्टर फेड है जिससे सभी ऑप्शन एक साथ का इफेक्ट कितना आना चाहिए ये है, और उसके बाद में इनको बारी बारी से आप यूज में ले सकते हैं, फेस को ज़्यादा बड़ा करना है, छोटा करना है, आईब्रो, ये सब मैनेज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी फोटो बना सकते हैं। स्माइल बनानी है फेस की, यहाँ पर तो आप इस तरह से बना सकते हैं, तो ये सब आप इनमें से यूज में ले सकते हैं। गर्दन का दिया हुआ है और ये सामने से नहीं है इसलिए इतना ज़्यादा इसमें नज़र नहीं आ रहा है, नाक छोटा करना है, नाक बड़ा करना है, ये सब ऑप्शन है, आप इसको ऑफ करेंगे तो ये इस जो फीचर जो है वो वर्क नहीं करेंगे, तो
तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद में स्किन स्मूथिंग के ऑप्शन, स्मूथिंग के अंदर यहाँ पर इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये देखिए जैसे बढ़ाते हैं स्मूथ हो रही है स्किन, लेकिन कौन कौन सा पार्ट किस तरह से स्मूथ करना है यहाँ पर देखिए, अराउंड आईज यानी कि आंखों के चारों ओर यहाँ पर स्मूथिंग करनी है नहीं करनी है ये देखिए, या आप खुद यहाँ पर जैसे जैसे यूज में लेंगे आपको खुद को यहाँ पर पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन कितना रिंकल का दे रखा है, और रिंकल्स रिमूव करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ी उम्र के व्यक्ति की फोटो भी लेंगे तो उसके यहाँ पर जो रिंकल्स वगैरह झुर्रियाँ वगैरह होगी उनको भी यहाँ पर रिमूव करेगा। तो ये सब ऑप्शन आप यहाँ पर ले सकते हैं, शाइनिंग वगैरह। अब बात करते हैं ये जो यहाँ पर धब्बे दिखाई दे रहे हैं, छोटे दाग धब्बे, इनको कैसे रिमूव करेंगे। इसके लिए यहाँ पर ये टचअप टूल जो दिया हुआ है इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रश की साइज कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पर आपको इस तरह से यूज करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर सब करना कुछ भी नहीं है, बस सेलेक्ट करना है और साइज एडजस्ट करके यूज में लेना है। हाँ साइज की बड़ी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये काम आपका हो गया इस फोटो के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखिए रिमूव और रिमूव शाइनिंग, कहीं से आप रिमूव करना चाहते हैं तो ये सब कर सकते हैं। उसके बाद में ट्रिम आईब्रोज, ये जो आईब्रोज है ये देखिए यहाँ पर आप ट्रिम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ट्रिमर भी यहाँ पर मिलेगा। और नीचे जो जो मुंह है यहाँ पर उसके चारों ओर से अगर आप थोड़ा क्लीन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सभी के अंदर ऑप्शन है, टेक्सचर यहाँ पर दे रखा है जैसा टेक्सचर आप यूज में लेना चाहते हैं। ये स्किन स्मूथिंग के सभी ऑप्शन है। उसके बाद में स्किन लाइटिंग कंट्रोल, चेहरे के ऊपर लाइट किस साइड से आप देना चाहते हैं ये देखिए इस तरह से आप दे सकते हैं। तो यहीं पर मैं रख रहा हूँ लाइटिंग, और उसके बाद में स्किन लाइटिंग के बाद में मेकअप कंट्रोल्स जिसके अंदर लिपस्टिक, मस्कारा, बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे लिपस्टिक आपको यूज में लेना है, ये लिपस्टिक अभी देखिए लिपस्टिक यहाँ पर ठीक से नहीं आ रहा है क्योंकि पॉइंट थोड़ा बाहर की साइड में जा रहा है। तो इस तरह से इनको पॉइंट्स को ठीक कर सकते हैं, और लिपस्टिक का कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लिपस्टिक का टेक्सचर भी आप सेट कर सकते हैं इस तरह से, शाइनिंग लिपस्टिक की शाइनिंग, ये सब ऑप्शन यहाँ पर इस तरह से यूज में ले। लिपस्टिक के बाद में मस्कारा, ये जो आंखों के ऊपर यहाँ पर दिख रही है एक तरह से काजल यहाँ पर, और उनको सॉफ्टनेस कितना करना है ये सब आप खुद इनको कर सकते हैं, बड़ा छोटा ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कितना लेना है। उसके बाद में अपर आई शेडो, आंखों के ऊपर जो शेडो है उनका कलर भी आप सेट करके सेट कर सकते हैं। जो मेकअप में जो भी आईलाइनर वगैरह जो चीज़ें होती है वो सब इसके अंदर है, आईलाइनर इसके अंदर। फिर आप इसके बाद में आई कंट्रोल्स जो है उसके अंदर आप देखिए आंखों के अंदर जो वाइट कलर है उसको ज़्यादा वाइट दिखाना है, वाइट आई आपको कितनी दिखानी है, क्लीन अंदर से होनी चाहिए, ये देखिए अभी क्लीन नहीं है ये क्लीन हो गई, इस तरह से क्लीन करनी है। वाइटिंग एरिया आपको कम या ज़्यादा करना है, और डार्कन पुपिल जो अंदर की साइड में है। इसके अलावा साइज इसकी क्या होना चाहिए देखिए, साइज कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, आँख को शार्प ज़्यादा करना चाहते हैं। मेकअप कंट्रोल जो है इसके अंदर ये देखिए हाईलाइटर जो है इसे आप स्किन के अंदर इस तरह से थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं, कलर यहाँ पर सिलेक्ट करें। ये सब ऑप्शन आप यहाँ से यूज ले सकते हैं। हेयर कंट्रोल अगर बालों के अंदर आप जरूर नहीं है, सभी फोटोज के ऊपर वो ठीक तरह से वर्क करें। स्किन कलरिंग ये देखिए यहाँ पर खूब सारे ऑप्शन दे रखे हैं किस तरह की स्किन चाहिए, बेबी स्किन, नेचुरल, पिक्चर कंट्रोल्स, पूरी फोटो के अंदर यहाँ पर टेम्परेचर वगैरह और ब्राइटनेस, कंट्रास्ट ये सब यहाँ पर एडजस्ट आप कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर देखिए मेकअप के अंदर ब्लू शेड जो है उसके अंदर देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा गालों के ऊपर भी मेकअप कर सकते हैं, अभी ओवेल है इसका कलर देखिए यहाँ पर इस तरह से चेंज कर देते हैं, ओवेल
पार्ट राउंड स्क्वायर, ये बिफोर और ये आफ्टर। इस फोटो को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं और ये पॉइंट्स जो है वो आप अपनी इच्छा से भी यहाँ पर बना सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है यहाँ से आप बिफोर और आफ्टर करके अपनी फोटो को देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है आपको, एक तरह से प्लगइन बताया है कि इस प्लगइन से आप इस तरह से यूज़ में ले सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर आपको कुछ ज़रूरत है इस प्लगइन की तो ही आप यूज़ में लें। अगर खूब सारी फोटो का आपके काम हो जरूरत रहती है जिनको रिटचिंग करने की, तो आपके लिए प्लगइन काम का हो सकता है। कुछ फोटोज के लिए तो आप फोटोशॉप के अंदर कर भी सकते हैं। देखिए इसके अंदर यहाँ पर प्रीसेट जैसे खुद बनाकर भी आप सेव कर सकते हैं। ये जो भी हमने ऑप्शन यूज लिए हैं उनका प्रीसेट आप बनाकर सेव सकते हैं। ये जो बाय डिफॉल्ट बच्चों के लिए मेल के लिए प्रीसेट है उनको आप यूज में ले सकते हैं। और यहाँ पर एडिट और फाइल के अंदर ऑप्शन भी है यहाँ पर, और इसकी सेटिंग अगर आप देखें तो फाइल के अंदर आपको जाने के बाद में यहाँ पर मिलेगी फोटो की सेटिंग, और यहाँ से आप सेट कर सकते हैं डोंट सेव ओवर ओरिजिनल इमेज, कि ओरिजिनल इमेज को ऊपर सेव ना करें, दूसरी फोटो बनाए और पीपी इस तरह से लिखा हो इनाम और लैंग्वेज वगैरह, ये यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। वैसे भी सेव ट्रायल के अंदर होगी नहीं, तो ये सब ऑप्शन यूज में ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट अनदर फेस इन दिस फोटो, तो आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको दूसरा फेस सिलेक्ट करना होगा। और सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टिप यहाँ पर मिल रही है तो न्यू फेस के ऊपर क्लिक करेंगे, फीमेल का फेस है कहाँ पर है आपको बताना पड़ेगा, इस तरह से लेफ्ट राइट आई और नोज टिप इस तरह से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। फेस ये है नहीं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको फेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर ये देखिए इस तरह से ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेस जो है वो बन जाएगा, ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेस सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट जाएंगे तो फेस पूरी तरह से तैयार है। ये एक्चुअली फेस मैंने जस्ट ऐसे एग्जाम्पल लेने के लिए कि आप अपना दूसरा कोई फेस है फोटो के अंदर तो उस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो जस्ट मैंने आपको बताने के लिए लिया था। इस फोटो के अंदर एक ही फेस है तो आप इस तरह से इसको यूज में ले सकते हैं। तो इस प्लगइन के लिए मैं कहना चाहूंगा, अगर खूब सारी फोटो का हमारे पास में काम है रिटचिंग करने का, पोर्ट्रेट हमारे पास में फोटोज खूब सारी होती है, उसके लिए ये प्लगइन बहुत ही अच्छा प्लगइन है। क्योंकि मैन्युअली हम एक एक फोटो के ऊपर मान लीजिए 100 200 500 फोटो डेली की हम ठीक करते हैं, रिटचिंग करते हैं, तो उसके लिए फोटोशॉप से करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा काम बढ़ेगा, लेकिन इस सॉफ्टवेयर से करेंगे तो फटाफट हम कर सकते हैं। और इसका प्लगइन भी आप फोटोशॉप के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसको बाय करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा है ज़्यादा फोटोज़ के लिए, कम फोटोज़ के लिए या कुछ एक फोटोज़ के लिए अगर आप यूज़ में लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन वो 2 5 10 फोटो तो आप फोटोशॉप के अंदर भी तैयार कर सकते हैं। और दूसरे तरीके भी हैं रिटचिंग करने के लिए, ऑलरेडी मैंने उनके वीडियोस बनाए हुए हैं, तो रिटचिंग उससे भी कर सकते हैं कुछ फोटोज की। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्रायल वर्जन आप भी डाउनलोड करके इसका यूज में ले सकते हैं, और उसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।